सो बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें जो सेकंड यूनिट है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, उसका ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था व्हाट इज सोसाइटी, इंट्रोडक्शन, नेचर, उसमें डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी पढ़ा था, प्लस नेचर ऑफ सोसाइटी। सो टूडेज लेसन, टूडेज आज हम पढ़ेंगे अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पहले हम पढ़ लेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, सो सोसाइटी इज कंपोज ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। इसका मीनिंग है कि जो सोसाइटी है वो ग्रुप ऑफ पीपल से बनी हुई है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से बनी हुई है। ओके, सो सोसाइटी इज कंपोज ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। देखो सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, ये हमें पता है। ओके, तो सोसाइटी क्या है, किससे बनी हुई है, लोगों से बनी हुई है, उनके ग्रुप से बनी हुई है। ओके, सो सोसाइटी इज कंपोज ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। सेकंड, ऑल इंडिविजुअल हु आर लिविंग इन अ सोसाइटी हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप एंड मेंटेन इंटरेक्शन अमंग देम सेल्व्स। मतलब जो भी इंडिविजुअल सोसाइटी में रहते हैं उनके बीच क्या होती है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। हमें पता है कि सोसाइटी में हम रहते हैं तो दूसरे लोगों के साथ हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है। ओके, उनके साथ हमारा कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है और उनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं रोजाना। हमारी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ हमारी एक रिलेशनशिप बनी हुई है और एक दूसरे को हम समझते हैं। ओके, सो जो भी इंडिविजुअल सोसाइटी में रहते हैं उनके बीच एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उनके बीच एक रिलेशनशिप होती है और उनके बीच इंटरेक्शंस भी होती है, इसका मीनिंग। सो थर्ड वन इज दैट ईच सोसाइटी हैज़ वेराइटीज ऑफ सिमिलैरिटीज एंड वेराइटी एंड डिफरेंसेस। इसका मतलब क्या है, पहले देख लो, सोसाइटी डिपेंड्स ऑन लाइकनेस एंड सोसाइटी रेस ऑन डिफरेंसेस टू। इसका मीनिंग क्या है कि अगर एक सोसाइटी है तो उस सोसाइटी में जो कुछ लोग रहते हैं उनके बीच कुछ सिमिलैरिटीज भी है, कुछ डिससिमिलैरिटीज भी है, सिमिलैरिटीज भी है, डिफरेंसेस भी है। ओके, तो इसका एक मीनिंग, एक सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं उनके बीच कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होती है और कुछ डिससिमिलैरिटीज होते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल ले तो जो सोसाइटी में लोग रहेंगे उनमें से कुछ लोगों का ऑक्यूपेशन जो होगा वो सेम होगा, ओके, सिमिलैरिटी, या फिर कुछ लोगों का मतलब ऑक्यूपेशन डिफरेंट होगा दूसरे लोगों से, तो हो गया डिफरेंसेस। उनकी बिलीफ जो अपने बिलीफ जो होते हैं कुछ लोगों के सेम होंगे, कुछ लोगों के दूसरे लोगों से डिफरेंट होंगे। ओके, तो ये लोगों के बीच जो सिमिलैरिटीज है, डिफरेंसेस है, ये हर एक सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं। सोसाइटी में लाइकनेस भी होती है एंड ये सिमिलैरिटीज, और सोसाइटी में ये लोगों के बीच डिफरेंसेस भी होते हैं। ओके, सो देर इज अ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग पीपल इन अ सोसाइटी। तो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके बीच कोऑपरेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, तभी सोसाइटी बनती है। ओके, तो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है सोसाइटी में लोगों के बीच। तो ओके, जो कोऑपरेशन होता है उसके थ्रू वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है तभी सोसाइटी क्या होती है, रन होती है। ओके, सोसाइटी इज एंशियंट। सोसाइटी अभी मॉडर्न मतलब अभी अभी जस्ट बनी हुई नहीं है, सोसाइटी बहुत पहले समय से थी। ओके, पहले समय से सोसाइटी चली आ रही है, उसमें हाँ चेंजेस हुए हैं, चेंजेस उसमें हो रहे हैं, हो चुके हैं। ओके, और होंगे, आगे भी होंगे सोसाइटी में। सोसाइटी लेकिन एक ऐसी है, ओल्ड है, पहले समय से है। ओके, सोसाइटी में लोग कभी भी ऐसे सोसाइटी में ही रहते आ रहे हैं पहले से। सो सोसाइटी इज एंशियंट। फिफ्थ है, सोसाइटी इज एंशियंट, वही कि सोसाइटी बहुत पुरानी है, ओल्ड है। सोसाइटी इज अ डायनामिक। सो सिक्स पॉइंट क्या कहता है कि सोसाइटी इज अ डायनामिक, इट इज नॉट स्टैटिक वन, चेंजेस में टेक्स प्लेस ग्रेजुअली और अब्रप्टली। इसका मतलब सोसाइटी जो है वो डायनामिक है। डायनामिक यानी चेंज, डायनामिक का अर्थ होता है चेंज, और चेंज उसमें चेंजेस आते रहते हैं, वो बदलती रहती है। ओके, सोसाइटी देखो पहले समय में क्या होता था, पहले समय में जो सोसाइटी होती वो अलग तरह की थी, लोगों के बिलीफ्स अलग तरह के थे। लेकिन आजकल आज की जो सोसाइटी है उसको मॉडर्न सोसाइटी हम कहते हैं। तो आज के जो लोगों के बिलीफ्स है वो बदल चुके हैं, उनका रहने का, उनका खाने का ढंग, ओके, उनकी खाने की चीज़ें, ओके, ये सब, उनका टेस्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें बदल गई है, उनका ऑक्यूपेशन, उनकी सोच। ओके, तो सोसाइटी में एक क्या है, चेंज है, जो पहले पहले था वो अभी चीज़ें बदल चुकी है। ओके,
सो सोसाइटी डायनामिक सोसाइटी बदलती रहती है, उसमें उसमें जो लोग हैं, उसकी जो सोच है, उसके जो कल्चर है भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता आ रहा है। इट इज़ नॉट स्टैटिक वन, एक जगह पर थमा हुआ नहीं है या फिर एक ही चीज़ को कंटिन्यू कर नहीं कर रहे, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, भले ही ये चेंजेस कैसे हो, ग्रेजुअल हो, मतलब धीमे धीमे हो, स्लो गति में हो या फिर सडनली हो। अगर देखो अभी कोरोना आया था तो सडनली सोसाइटी थोड़ी सी चेंज हो गई थी, लोग घर में रह रहे थे, पहले लोग बाहर घूमते थे, तो ये चेंज सडन भी हो सकता है या फिर ग्रेजुअल भी हो सकता है। देन सेवंथ वन दिख नहीं रहा है आई थिंक। ओके सो डायरेक्टली एट पर, सेवंथ वन नहीं दिख रहा है, सो एट पर जाते हैं। सो एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट कल्चर, हर एक सोसाइटी को खुद का एक कल्चर होता है, उसका एक खुद का कल्चर होता है, डिस्टिंक्ट कल्चर होता है। ओके ओके सो नाइन वन, इंटरडिपेंडेंस इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटियल मेंबर्स टू मीट देयर सोसाइटियल नीड्स। तो सोसाइटी में जितने भी कुछ मेंबर्स रहते हैं वो एक दूसरे पे क्या करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ओके सो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, मतलब सोसाइटी रन ही उस चीज़ से होती है, सोसाइटी को रन करने के लिए जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन वो इंटरडिपेंडेंट ही होते होएंगे ना, क्योंकि सोसाइटी किसी एक इंडिविजुअल से तो रन नहीं होगी। सोसाइटी को रन करने के लिए हर एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल की कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ में हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो हर एक इंडिविजुअल सोसाइटी में दूसरे इंडिविजुअल पर क्या है, इंटर डिपेंडेंट है। तो इंटरडिपेंडेंस इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटल मेंबर्स टू मेट देयर सोसाइटल नीड्स। सोसाइटी की नीड्स पूरी करने के लिए हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल पर क्या है, डिपेंडेंट है। सोसाइटी प्लेज अ वाइटल रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी एंड हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू मीट हिज पर्सनल नीड्स। तो सोसाइटी जो इंडिविजुअल को एक पर्सनैलिटी भी डिटरमाइन करती है कि पर्सनैलिटी कैसी होगी, सोसाइटी डिटरमाइन करती है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी कैसी होगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के लोगों का जो पर्सनैलिटी होती है, उनका जो एक बिलीव्स होते हैं, उनकी जो सोच होती है वो डिफरेंट होती है। तो कि उसमें सोसाइटी का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो करता है, जैसे सोसाइटी होगी वैसे लोग होंगे। ओके तो सोसाइटी प्लेज अ वाइटल रोल इन अ डिटर्मिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी एंड हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू मीट हिज पर्सनल नीड्स। सोसाइटी में हम रहते हैं, इसी सोसाइटी के थ्रू हमारी जो ज़रूरतें वो पूरी होती है सोसाइटी में, जैसे कि सोसाइटी के थ्रू सोसाइटी में क्या होता है, एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसके थ्रू हमें नॉलेज मिलता है, हॉस्पिटल्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपना इलाज करते हैं। ओके तो हमारी जो ये नीड्स होती है ये सोसाइटी ही कंप्लीट करती है, सोसाइटी ही हमको देती है। सो सेवन पॉइंट दिखने रहा है, बाकी तो सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए। 6, 5, 4 एंड 3 is 3 एंड 2 एंड 1। ओके तो 7.2 नहीं दिख रहा। ओके आई होप सो आपको इतने जो पॉइंट्स मैंने पढ़ा है वो समझ में आए होंगे। अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइज एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं दिखा होगा तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट।